हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। ये जो ब्लॉग है ये संडे का है, सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं नहा धोकर के रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर मैंने किचन में हरे मूंग की दाल बनाई है क्योंकि सैटरडे को मेरा फास्टिंग था, तो जब भी मैं फास्टिंग करती हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मूंग की दाल जरूर बनाती हूँ। और संडे है तो आज पोहे जरूर बनेंगे, तो उसके लिए भी मैंने सारे वेजिटेबल को चॉप करके रख दिया है। बेबी को भी सेरेलेक खिलाना है तो उसका सेरेलेक भी मैंने घोल करके यहाँ पर रख दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गुनगुना पानी लेती हूँ और उसके बाद मैं मूंग की दाल को यहाँ पर खाऊंगी। जब भी मैं फास्ट करती हूँ ना तो ये दाल जरूर से बनाती हूँ। इससे हमारा पेट भी खराब नहीं होता है और ये थोड़ी चटपटी भी लगती है खाने में, तो मुँह का स्वाद भी अच्छा रहता है। मूंग की दाल खा लेने के बाद वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे पोहे बनाने हैं। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रखी और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला। जब तक रिफाइंड अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है तब तक बर्तन निकाल ले रही हूँ जिसमें मुझे पोहे को वॉश करना है। सैटरडे को मेरा फिक्स रहता है मॉर्निंग में कि मुझे लिट्टी बनानी है, और संडे को मेरा मॉर्निंग फिक्स रहता है कि मुझे पोहे बनाने हैं। 5 दिन तक रोटी पराठा खाते खाते हम बिल्कुल बोर से हो जाते हैं, तो सैटरडे और संडे ये 2 दिन मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ तो कुछ ऐसा मेनू रखती हूँ मॉर्निंग का ताकि वो जल्दी बन भी जाए और खाने में भी अच्छा लगे। पोहे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है वॉश करने के लिए ताकि जब मैं इसे वॉश करके रखूँ तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और दूसरा पैकेट मैं यहाँ पे ओपन करके डब्बे में फिल कर दे रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पोहा फिल किया था, तो डब्बा धोने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे साइड में ना पोहा को चूड़ा बोला जाता है, आपके साइड में पोहा को क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो गई है तो इसमें मैंने थोड़ी सी राई डाली, उसके बाद करी पत्ता डाला। जब ये थोड़े से चटक जाएंगे तो चॉप किए हुए सारे वेजिटेबल को इसमें डालूंगी और थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। वेजिटेबल में मैंने गाजर लिया है, टमाटर लिया है, मटर लिया है। अब चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास कॉलीफ्लावर नहीं था तो मैंने उसे भी नहीं लिया। शिमला मिर्च अगर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ आप इसमें ऐड करेंगे पोहे का जो स्वाद है उतना ही अच्छा हो जाएगा। जब ये चॉप की हुई सारी सब्जियां अच्छे तरीके से भुन गई और थोड़ी सी गल भी गई तब मैंने सोख किए हुए इसमें पोहे डाल दिए। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और मसाले में मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर डाला है और कुछ भी नहीं डाला, और सिर्फ नमक डाला है। पोहा जब बनकर के रेडी हो गया तो ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और धनिया पत्ता अगर आप किसी भी चीज़ में या सब्जी में डालते हैं ना तो उसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए इसको ढक करके रख दूंगी ताकि ये बिल्कुल एक बराबर हो जाए। तो यहाँ पर पोहा रेडी है। अब मैं गर्मा गर्म चाय बना ले रही हूँ। पोहा और चाय दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। आप पोहा किस तरीके से खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग तो इसे सॉस के साथ भी खाते हैं लेकिन मुझे ये सॉस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पोहे के साथ तो मुझे चाय का ही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गई हूँ सब्जी लेने के लिए। मैंने सोचा आज सब्जी की मार्केटिंग मैं ही करूँ, देखूँ यहाँ पर भी क्या क्या सब्जियाँ मिलती हैं। यहाँ की जो सब्जी मार्केट है उसमें करीब करीब सारी सब्जियाँ मिल रही थी, कटहल और परवल मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो मैंने यहाँ से बैंगन लिया, भिंडी ली, टमाटर लिया, करेला लिया और कंदा लिया, और बड़ी वाली हरी मिर्च भी ली। ये सब्जियाँ लेकर के मैं मार्केट से आ गई और यहाँ पर मैंने चावल भी बना लिया। दाल तो मैं बना करके गई थी, उसके बाद डिमांड आई पकौड़ों की। तो लौकी के पकौड़े और आलू के पकौड़े, ये 2 पकौड़े मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। लौकी को तो मैंने कट करके रख दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं आलू कट कर रही हूँ। और साथ के साथ मैं धनिया पत्ता भी लेकर के आई थी जो बिल्कुल फ्रेश थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी मैं यहाँ पर चटनी बना लेती हूँ। तो धनिया पत्ता को अच्छे तरीके से मैंने साफ किया और इसको भी मैंने चटनी बनाने के लिए बारीक बारीक चॉप कर दिया है। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो किचन हमारा बहुत फैल जाता है, और ख़ास तौर पर तब जब स्लैब बहुत छोटा हो। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक तरफ लंच बनाते रहूं और दूसरी तरफ अपना किचन भी साथ के साथ समेटते रहूं। इससे ना काम थोड़ा हल्का हो जाता है और अलग से मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ता है किचन को पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए। यहाँ पर जो धनिया पत्ता की चटनी मैं बना रही हूँ उसके साथ मैं यहाँ पर नारियल ऐड कर रही हूँ, इससे चटनी का ना स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। किचन में काम करते करते अपने किचन को साथ के साथ समेटते जाना बहुत ही अच्छी आदत होती है।
जैसे कि मैंने चाकू से कुछ कट किया तो चाकू को धोकर पोंछ के उसको वापस उसी की जगह पर रख दिया। चॉपिंग बोर्ड मैंने यूज़ किया तो उसको भी यूज़ करने के बाद अच्छे तरीके से वॉश कर दिया और उसको भी एक साइड कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है ना, जो हम साथ के साथ करते जाएँ तो हमारा बहुत काम हल्का हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम अपने मम्मी, नानी, दादी को देख करके ही सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें भी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है कि एक काम के साथ साथ आप बहुत सारे काम को किस तरीके से मैनेज करके कर सकते हैं, और हमें देख करके हमारे बच्चे सीखते हैं। तो अच्छी आदत है ना, अगर बच्चे अभी से कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो वो आगे चलकर उनके लिए बहुत काम आएगा। सभी के पास काम करने के लिए दिन के 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, और इसी 24 घंटे में वो अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज करके भी चलते हैं। तो यहाँ पर मैं पकौड़े के लिए घोल तैयार कर ले रही हूँ। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है और हल्दी पाउडर डाला, मिर्ची पाउडर और नमक, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छा सा एक घोल तैयार कर लूँगी। मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ तो उसमें मैदा ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे पकौड़े कुरकुरे हो जाते हैं और खाने में उसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा रहता है। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने पकौड़े यहाँ पर डालने शुरू किए और धीरे धीरे करके सारे पकौड़ों को तल करके निकाल लिया। श्रेया को ना लौकी के पकौड़े उतने पसंद नहीं है, तो उसके लिए मुझे आलू के पकौड़े बनाने होते हैं। तो पकौड़े भी बन करके रेडी हो गया है, और ये रहा आज का लंच, चावल, दाल, पकौड़े और धनिया पत्ता की चटनी। थोड़ा सा पकौड़े का घोल मैंने एक्स्ट्रा बनाया, शाम को मैंने ब्रेड पकौड़ा भी बनाया। काफ़ी अच्छे ब्रेड पकौड़े बनकर के रेडी हुए, तेल बिल्कुल भी इसमें नहीं था और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट थे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।